संजय बॉक्स ऑफिस पर इतनी भारी पड़ी कि फिल्म बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म संजू अब इतनी सुपरहिट साबित हुई है तो सक्सेस पार्टी तो बनती है। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी जहां फिल्म से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे, लेकिन फिल्म ही जिस पर बनी है वो दिखाई नहीं दिए। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की। संजू की सक्सेस पार्टी में उनका मौजूद रहना उतना ही जरूरी लगता है जितना रणवीर कपूर का पार्टी में शामिल होना। लेकिन गौर करें तो संजय दत्त फिल्म संजू से रिलेटेड हर उस इवेंट से दूरी बनाते दिखे जहां उनका सामना ज्यादातर मीडिया से था। तो चलिए आपको बताते हैं कि संजू बाबा कहां गायब हो गए थे। दरअसल संजय दत्त अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने सिंगापुर चले गए। लेकिन हमने ये बात भी नोटिस की कि संजय दत्त के लिए तो पार्टी पोस्टपोन भी हो सकती थी, लेकिन ये क्या, संजय तो सीधा गायब ही हो गए। लगता है फिल्म संजू में मीडिया को जिस तरह पेश किया है उसके बाद संजय दत्त मीडिया से दूर ही रहना चाहते हैं। रिसेंटली संजय दत्त की फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।